unfortunate events that have been taking place in Salsit area particularly. 6 जून से लेकर के अभी तक करीब 9 होली क्रॉसेस को डिसिपेट किया है और एक टेंपल का भी इंसिडेंट हमारी नोटिस में आया है. नाउ इनिशियली जब पहला इंसिडेंट हुआ तो हमारा अंदेशा ये था कि इट कुड बी द हैंडी वर्क ऑफ सम मेंटली डीरेंज पर्सन बिकॉज प्रीवियसली ऑल्सो वन इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड लाइक दैट इन कुरचरे. पर लगातार जो है 6 तारीख के बाद 18 तारीख को फिर एक इंसिडेंट हुआ. उसके बाद रीसेंट पास्ट में पिछले हफ्ते 10 दिन में और भी इंसिडेंट्स नोटिस में आए. तो इट कैन नॉट बी द वर्क ऑफ अ मेंटली डीरेंज पर्सन. ये पर्पसफुली कर रहा है. देर आर सम पीपल हु आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डीसीक्रेट द होली प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पैनिक, टू ट्राई टू क्रिएट अ पैनिक एंड टू ट्राई टू क्रिएट एन इशू. नाउ इन द डिस्ट्रिक्ट वी आर टेकिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली. इनफैक्ट फॉर द पास्ट 10 डेज, इनफैक्ट मोर देन दैट, जब हमारा ये सेकेंड इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था चांदौर में, उसके बाद से ही हमने परमानेंट पिकेट लगानी शुरू कर दी थी चांदौर में. सेकेंड इंसिडेंट जब हुआ, फर्स्ट इंसिडेंट के बाद ही लगाया था. फर्स्ट इंसिडेंट के बाद ही चांदौर में हमने नाइट पिकेट लगानी शुरू कर दी. सेकेंड इंसिडेंट जब हुआ तो हमारी पिकेट मॉर्निंग में 5:30 बजे तक उधर थी. पुलिस पिकेट हटने के बाद 6 बजे के बाद इंसिडेंट हुआ है. इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी कुरचरे एरिया में 2 इंसिडेंट्स हो गए. ये दोनों इंसिडेंट्स हमारी पुलिस स्टाफ ने खुद नोटिस किया. पुलिस पेट्रोलिंग पे थी. ऑल द पुलिस स्टेशंस वी हैव फॉर्म स्पेशल टीम्स. ऑल द पुलिस स्टेशंस वी हैव मेड श्योर दैट देर आर पेट्रोलिंग स्कीम्स एंड देर इज़ अ पिकेट स्कीम इन प्लेस. सो कल रात में भी एज यूजुअल देर वॉज पिकेटिंग, देर वॉज पेट्रोलिंग बाई द पुलिस स्टाफ. एट अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग बोथ दीज क्रॉसेज वर ऑल राइट. They were in perfect state. It was checked by the police staff of the police station Kurchoram. At 5:15, when it was checked by the police staff, then it was noticed that it has been desecrated. So this is really unfortunate, and I would like the people of Salsit and people of South Goa to cooperate with the police, because being in the police force, we are doing our best. We are doing night patrolling. My PIs are on rotation basis. They are doing night patrolling. We are putting pickets in place. But we would like that people of South Goa, they cooperate with the police. And if they have any information, if they have even the vaguest clue, even if they have the smallest clue about who is behind these incidents, or if they have spotted any motorcycle or any four-wheeler or any persons in their area moving around suspiciously, then they should bring it into the notice of the police. And they can rest assured that their identity will be kept safe and their names are not going to be leaked out. And if we are able to detect these cases with the help of public, they will be suitably rewarded also by Goa Police. So this is an appeal to the common people also in Goa to cooperate.